Assalamu alaikum. Welcome to Amina's Art Adventures. I am going to show you how I created this beautiful side table. Iska size 22 inches hai. Isko board ko maine prime kiya hua hai with primer. And abhi main aapke samne jo hai 600 grams of resin mix kar rahi hu. Isme resin itself 400 hai aur हार्डनेस जो है वो 200 ग्राम्स है. इसको आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई स्ट्रीक्स वगैरह ना रह जाए. मेरी जो टेबल टॉप है वो बिल्कुल लेवल्ड है और उसके बाद जब रेजिन मिक्स हो गया मैं इसको डिफरेंट कंटेनर्स में डालूँगी सो दैट मैं अब इसमें पिगमेंट्स मिक्स कर सकूँ. मैंने इसमें हैदर लिया है, ओपल गोल्ड लिया है, दैट इज़ अ वाइट पिगमेंट, और साथ मैंने इसके अंदर जो है बेद सिल्क लिया है. ये तीनों जो पिगमेंट्स हैं ये गुज़ेल मेराकी के हैं. इसके अलावा मैंने ग्लिटर लिया है, बिल्कुल फाइन ग्लिटर था, और दो कलर्स डाले थे, एक होलोग्राफिक गोल्ड था और एक डल होलोग्राफिक गोल्ड है. इन दोनों को मिक्स किया है और साथ मैंने फ्लेक्स मिक्स किए. अब मैं हमेशा करती ये हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ये डाल लेती हूँ जो अमाउंट मैंने डालनी होती है. इसको डालने के बाद मैं इनको मिक्स करना शुरू कर देती हूँ. मैं इनको दो दफ़ा सारे के सारे पिगमेंट्स को मिक्स करूँगी. बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैं इनको मिक्स करूँगी, मिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से करूँगी, पर होगा ये कि थोड़ी देर बाद जो है वापस को छोड़ देंगे और वापस उस फर्स्ट पिगमेंट पर आएँगे, मिक्सड पिगमेंट पर, तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है फ्लोट करके वो सारा पिगमेंट आ गया जो मिक्स नहीं हुआ, पाउडर जो है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा. तो जब आप सेकंड टाइम इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा. अच्छा, अब आप जब मिक्स कर रहे होंगे तो आप ऑब्वियसली अपने हाथ से इसे टच कर रहे हैं, तो आप देखते रहेंगे कि ये रेजिन क्या ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा. अच्छा जी, जो ओपल गोल्ड पिगमेंट है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाइट पेस्ट भी डाला था. अभी इस इधर जो मैं हैदर कलर था, पीच कलर जो है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ओपल गोल्ड डाला है. ये मैं आपको एक क्रिस्टल बना के दिखा रही हूँ. मैंने ग्लिटर डाला है, बेज कलर डाला है और पीच कलर डाला है. इसी तरह डिफरेंट कलर्स को मिक्स एंड मैच करके मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स क्रिएट किए थे. दरमियान में आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर गोल्ड डाला है, फिर इर्द गिर्द मैंने हैदर जो पीच पिगमेंट है वो डाला है, और फिर बेज पिगमेंट डाल दिया है. और अब मैं इस सारे के सारे पिगमेंट्स को स्प्रेड कर रही हूँ और स्लाइटली एक दूसरे में मर्ज भी कर रही हूँ. नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने ये किया है कि जो ओपल गोल्ड पिगमेंट मेरे पास रह गया था वो मैंने इर्द गिर्द स्प्रेड कर दिया है. मिडल में मैंने गोल्ड फ्लेक्स डाले हैं और फिर हीट गन से मैंने इन सारे कलर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया है. कुछ मैंने थोड़ा सा फ्लोटिंग जो कैरेट गोल्ड पिगमेंट है ये भी गुज़ेल मेराकी का है, ये मिक्स किया है. ऑल्दो ये टेबल तो राउंड है पर मैंने जो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस में इस गोल्ड पिगमेंट को डाला है. बिल्कुल एजेस के ऊपर जो मैंने बहुत सारा ग्लिटर, फाइन ग्लिटर पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था वो मैंने वो डाल दिया. आप दरमियान में भी स्कैटर कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है. मैंने इस तरह किया है. फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से हीट गन से मैं गोल्ड पिगमेंट को भी मिक्स कर रही हूँ और इस सारे के सारे क्या कहते हैं ग्लिटर को भी मैंने हीट किया है और बाकी सारे पिगमेंट्स को भी मिक्स कर रही हूँ. अब आप ये देखें और से देखें कि जब ये क्योर हुआ और मैंने इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स मैंने आपको बताए थे, मैंने काफ़ी सारे बना के रखे, कितने खूबसूरत इसमें सारे इफ़ेक्ट्स आए. द ओनली थिंग दैट हैपन्ड वॉज दैट आई क्योर्ड इट. अब ये मैंने आपको क्योर होने के बाद क्रिस्टल्स रख के दिखाए हैं. अब इस नेक्स्ट स्टेप में यही जो क्रिस्टल्स मैंने डेकोरेट किए हुए थे इनके सामने जो है मैंने ग्लास जो है फायर ग्लास रखना शुरू कर दिया, स्मॉल चंक्स में. मोस्टली मैं स्मॉल चंक्स ही यूज़ करती हूँ बिकॉज उससे जो है फिर जो आप लेयरिंग ऑफ डिफरेंट ग्लास करते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो होती है. अगर आप बहुत मोटी मोटी चीज़ें नीचे रख देंगे और उसके ऊपर आप छोटी चीज़ें रखेंगे तो मुझे लगता है उसमें वो फिनेस नहीं आएगी. ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. आप ज़ाहिर है जब आप अपना पीस बनाएंगे आपको पता चलेगा कि उस पर क्या अच्छा लग रहा है और क्या उसको सूट कर रहा है. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्लीज़ प्रेस करें.
so that whenever I upload a tutorial, you are able to see the tutorial and आपको पता चले कि मैंने एक specific चीज़, specific article किस तरह बनाया है. This space is just to show you कि मेरा style of work क्या है. मैंने इसको फायर ग्लास को जो है काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन से लेयर किया था. मैंने भी आपको जो है ना पीचिश रिफ्लेक्टिव फायर ग्लास दिखाया है. इसके बाद जो है अभी मैं आपको क्रश्ड मार्बल्स दिखा रही हूँ. फिर मैं आपको बहुत ही स्मॉल गोल्ड जो है क्रश स्टोन्स दिखा रही हूँ. इन सब की मैंने लेयरिंग की थी. सबसे फर्स्ट स्टेप में तो मैंने जो है ना रेजन, अब इसके ऊपर क्लियर रेजन पोर करना है. अब ये मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि मैं हमेशा ग्लव्स पहनती हूँ और फुल रेस्पिरेटर मास्क पहनती हूँ. रेजन बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया हुआ है जो मैं इस फायर ग्लास के ऊपर पोर कर रही हूँ. अब ये जो लेयर है ना फायर ग्लास के ऊपर डालने वाली, ये थोड़ी थिक लेयर जा रही है. लेकिन अब जो इसके ऊपर मैं बाकी फायर जो ग्लास के चंक्स रखूँगी उसके ऊपर मैं सिर्फ स्प्रिंकल करूँगी. जैसे अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर जब मार्बल्स डाले तो मैंने मार्बल्स दोनों तरफ डालने के बाद बिल्कुल ड्रिजल किया इसके ऊपर रेजन. बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा रेजन पोर कर देंगे तो वो एक पूरा पडल सा बन जाएगा नीचे, और उसकी वो जो है ना एक लेयर्ड लुक नहीं आएगी कि जैसे ग्लास जो है ना आपने रखा हुआ है उसके ऊपर, रादर देन जो है ना आपने पूरा पडल बना के उसके ऊपर एक थोबा रख दिया. अब जब फायर ग्लास के ऊपर मार्बल में डाल रही हूँ, रख रही हूँ, तो मैं देखती जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे ज़रूरत है. कहीं पे मैंने क्रिस्टल्स के गिर्द भी घुसाया हुआ है यही मार्बल, और कहीं पे जो है मैंने थोड़ी ज़्यादा उसको लेयर किया है, कहीं पे मैंने थोड़ा लेयर किया. बट सारे फायर ग्लास के ऊपर डेफिनेटली मैंने मार्बल डाला है, बिकॉज उससे ही वो जो इसकी रिच लुक है ना वो उसके साथ आती है. अब आप देखिए कि मैं सिर्फ ड्रिजल कर रही हूँ. पहले मैंने प्रॉपर जो है ना पूरा पूरा टीस्पून डाला था, तब ये सिर्फ ड्रिजलिंग हो रही है. इस ड्रिजल का मकसद ये है कि वो स्टिक कर जाएं, ये ना हो कि वो गुम हो जाएं फायर ग्लास के साथ, पता ही ना चले फायर ग्लास कहाँ ख़त्म हुआ और हमारे मार्बल्स कहाँ पे शुरू हो गए. इस टेबल को मैंने ओवर अ कपल ऑफ डेज बनाया था. जैसे फर्स्ट डे पे मैंने सिर्फ इसकी जो है प्राइमिंग की थी, वाइट जो हमने पेंट किया था. नेक्स्ट डे पे जो है मैंने इस पर पोरिंग की है, उसके बाद मैंने सिक्योर होने दिया. फिर पूरा एक दिन जो है मैंने इसके क्रिस्टल सिर्फ सेट किए. मैंने दो तीन तरीके से मैंने उसको रख के देखा और मैं देखना चाह रही थी कि कैसे लग रहे हैं. फिर जो है फोर्थ डे पे जो है अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर टॉप कोट कर रही हूँ. अब ये देखें, टॉप कोट भी मैंने इसके ऊपर दो दफ़ा दिया है. ये फर्स्ट टॉप कोट के बाद है. जब ये क्योर हुआ था तो मुझे इसमें एक दो डिप्स नज़र आए थे, जिसके बाद मैंने क्योंकि 24 आवर्स गुजर गए थे तो मैंने इसको सैंड किया था और फिर मैंने इस पर टॉप कोट दिया था. लास्ट में व्हेन इट वाज कम्प्लीटली रेडी आई गेव इट 2-3 डेज. उसके बाद मैंने इसकी लेग्स लगाई हैं. ये लेग्स मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि ये लेग्स अगेन गुज़ैल मिराकी की हैं. बोर्ड भी गुज़ैल मिराकी का है. लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में गुज़ैल मिराकी के पेज का मौजूद है. इंस्टाग्राम पर इनका पेज है. शी इज़ वेरी हेल्पफुल. शी हैज़ बिन माई गो टू पर्सन सिंस द बिगिनिंग ऑफ माई आर्ट. नाउ यू कैन सी माई टेबल, वट माशाल्लाह अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट दिस इज़. आपको क्लोजअप्स दिखा रही हूँ जो मैंने लेयरिंग की थी, ग्लास की और क्रिस्टल्स की और मार्बल्स की, और डिफरेंट एंगल्स से मैं आपको दिखा रही हूँ. आई होप यू कैन अप्रिशिएट इट. आई होप यू इन्जॉय द ट्यूटोरियल. And if you have any questions, please leave them in the comments. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.